Hey guys, welcome to my channel. This is chapter 16, Practicing and Applying Anthropology. In this series, we are doing Amber and Amber book in 10 hours. This video is presented by me, Aman Yadav. So guys, thank you for purchasing this ebook. जितने लोगों ने भी purchase किया उनको thank you, और अगर अभी आपने नहीं किया है तो आप अभी भी इसको purchase कर सकते हैं. इसको description में मैंने link दी हुई है, वहाँ से जाके आप purchase कर सकते हैं. Price सिर्फ 99 rupees है. इसमें 1000+ क्वेश्चंस हैं एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल मेंस के लिए, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं 1985 से 2019 तक, पेपर वन पेपर टू दोनों के लिए. टॉपिक वाइज अरेंज हैं ये क्वेश्चंस, और ये प्रैक्टिस के लिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपको. तो टोटल 1000 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं. आप इसको यूज़ कीजिए अपनी, जब तक आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जब तक आपका एग्जाम नहीं निकलता है तब तक आप इसको अपने साथ रखिए. क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त बहुत यूज़फुल रहेगी आपके लिए. थैंक यू. चैप्टर 16, Practicing and Applying Anthropology, Ethics of Applied Anthropology. अब एंथ्रोपोलॉजी में हम जो कुछ भी सीखते हैं ह्यूमन से रिलेटेड होता है. ह्यूमन से रिलेटेड हर एक चीज़, हर एक पर्सपेक्टिव में उसको हम पढ़ते हैं. तो वो जो नॉलेज हम गेन कर रहे होते हैं वो किस लिए कर रहे होते हैं, उसका यूज़ होता है कि हमारी सोसाइटी में, हमारे ह्यूमंस की सोसाइटी में जो भी प्रॉब्लम्स परसिस्ट कर रही हैं, जिसकी वजह से किसी न किसी को सफ़र करना पड़ रहा है, उसको हम हटा सकें, उसको रिमूव कर सकें, सॉल्व कर सकें. तो अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी रिसर्च इज हाउ अ कंडीशन माइट बी ट्रीटेड, वेदर और नॉट इट वुड एक्चुअली बी एन इम्प्रूवमेंट, एंड वेदर इट इज एक्चुअली अ चेंज दैट इज वॉन्टेड बाई द पीपल अफेक्टेड. एंथ्रोपोलॉजी एज अ प्रोफेशन हैज अडॉप्टेड एथिकल कोड्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अबव ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एंश्योर द वेलफेयर एंड डिग्निटी ऑफ दोज हु आर बींग स्टडीड, एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिपोर्ट ओपनली एंड ट्रस्टफुली टू दोज हु विल रीड अबाउट देयर रिसर्च. Even with a code of ethics, complicated ethical issues arise for anthropologists in connection with development project, as well as for physical anthropologists and archaeologists. तो जैसे कि अगर हम मोस्टली हम लोग मूव किस तरफ कर रहे हैं, हम डेवलपमेंट की तरफ मूव कर रहे हैं, हर चीज़ को बेटर बनाने की कोशिश करते हैं ह्यूमंस, तो उस बेटर बनाने के फेज में हम किसी का नुकसान तो नहीं कर रहे, वो चीज़ हमें देख के चलनी पड़ती है. तो ये हमारे एथिक्स का पार्ट आता है, क्योंकि बेटर हम बना सकते हैं, कुछ भी कर दो बेटर बन जाएगा, लेकिन उससे किसी एक ग्रुप का नुकसान कर रहे हैं, दूसरे का फायदा कर रहे हैं, तो ये जस्टिस नहीं होगा. तो उसके लिए एंथ्रोपोलॉजिस्ट को बहुत देखभाल के काम करना होता है, ताकि वो किसी का नुकसान ना करें. कॉम्प्लिकेटेड एथिकल इश्यूज आ जाते हैं वहां पर. इवेल्युएटिंग द इफेक्ट्स ऑफ प्लान्ड चेंजेस, इवन इफ अ प्रोग्राम ऑफ प्लान्ड चेंज हैज बेनिफिशियल कॉन्सिक्वेंसेज इन द शॉर्ट रन, ए ग्रेट डील ऑफ थॉट एंड इन्वेस्टिगेशन हैज to be given to its long-term effects, which could eventually produce negative results. Applied anthropologists have played an important role in pointing out the problems with development programs that fail to evaluate long-term consequences. Governments and other agencies are beginning to ask for anthropological help in the planning stages of the project. तो गवर्नमेंट भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट की मदद लेती है, अगर कोई भी पॉलिसी आ रही है नई ट्राइबल्स के लिए या किसी और के लिए, किसी वल्नरेबल सेक्शन के लिए, तो उसके लिए एंथ्रोपोलॉजिस्ट की मदद दी जाती है, ताकि वो उसके बेनिफिट्स और हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में पहले से इवेल्युएट कर सकें, कि अगर उस पॉलिसी को अप्लाई किया जाएगा तो कहीं कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा लॉन्ग टर्म में. डिफिकल्टीज इन इंस्टीट्यूटिंग प्लान्ड चेंज, वेदर अ प्रोग्राम ऑफ प्लान्ड चेंज कैन बी सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड depends largely on whether the people want the proposed change and like the proposed program. Lack of awareness can be a temporary barrier to solving the problem at hand. A growing trend is for anthropologists to become advocates for affected communities, involving the people affected in all phases of the project, from participating in the research design to execution and publishing. तो जो लोग अफेक्टेड हैं अगर किसी प्रोजेक्ट से, किसी प्रॉब्लम से, तो उनके लिए एडवोकेट होना चाहिए, जिस तरह से जो उनकी प्रॉब्लम को समझ सके और उनको आने वाले बेनिफिट्स को समझा सके, ताकि वो कोई प्रोग्राम जो नया आ रहा है वो एग्जीक्यूट हो सके. अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजिस्ट आर इंक्रीजिंगली आस्क्ड टू वर्क ऑन बिहाफ ऑफ द इंडिजिनियस ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन. ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन कैन सक्सीड विद डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वेयर गवर्नमेंट और आउटसाइड प्रोजेक्ट्स फेल. एंथ्रोपोलॉजिस्ट आर ऑल्सो कोलैबोरेटिंग मोर विद पीपल फ्रॉम अदर डिसिप्लिन्स. Environmental anthropology focuses on issues relating to the interaction of humans with their environments at the local, regional and global levels, particularly focusing on how to understand and alleviate the degradation of the environment. Environment ka dhyan rakhte hue hame jo bhi development karna hai,
हमें जो भी चेंजेस लाने हैं अपने सोसाइटी में उसके लिए जो भी करना है, लेकिन उसके लिए हमें इन्वायरमेंट का ध्यान ज़रूर रखना पड़ेगा, क्योंकि ये नहीं कि हम डेवलपमेंट किए जा रहे हैं और इन्वायरमेंट को लॉस किए जा रहे हैं, तो वो लॉन्ग टर्म में जाके और ज़्यादा हार्मफुल हो जाएगा रैदर देन बेनिफिट करने की जगह। देयर इज इंक्रीजिंग रिकॉग्निशन दैट इम्पोजिंग इन्वायरमेंटल पॉलिसी फ्रॉम द टॉप डाउन डज नॉट वर्क वेरी वेल एंड दैट एफर्ट्स आर मोर लाइकली टू सक्सीड इफ द अफेक्टेड कम्युनिटीज पार्टिसिपेट इन द प्लानिंग ऑफ प्रोग्राम्स। Business and organizational anthropology. Anthropologists can help businesses understand other cultures, which is becoming an even more important aspect as the trade becomes more global, international investments and joint venture increases, and the multinational corporation spread their reach. तो अभी जैसे कि हम एक दूसरे से बहुत ज़्यादा connected हो रहे हैं, globalization हो रहा है, तो लोग एक पर्टिकुलर लोकेशन पे बिजनेस नहीं कर रहे हैं, वो अपने बिजनेस को स्प्रेड कर रहे हैं एक सिटी से दूसरी सिटी में, देन दूसरे स्टेट्स में, दूसरी कंट्रीज में। तो इसके लिए उनको बाहर के कल्चर्स के बारे में पता होना चाहिए ताकि वो अपने बिजनेस को ज़्यादा स्प्रेड कर सकें, वहाँ के कल्चर के अकॉर्डिंग अपनी चीज़ों को मॉडिफाई कर सकें अपने प्रोडक्ट्स को, जिससे कि बहुत बेनिफिशियल हो। और अगर किसी को वो प्रोडक्ट मदद कर रहा है तो वहाँ के कल्चर में वो किस तरह से इम्प्लीमेंट हो सकता है, वहाँ के लोगों की कैसे मदद कर सकता है, ये भी देख सकें। Within a business, anthropologists can help business members understand their own organization culture, especially when it may interfere with the acceptance of new kinds of workers, mergers with other companies, or changing to meet new business needs. Businesses and organizations also need help in developing and marketing products that people may want, and anthropologists are quite good at finding out because they observe and ask questions. Cultural resource management. Cultural resource management involves recovering and preserving the archaeological record before programs of planned change disturb or destroy it. Another focus of cultural resource management is public archaeology, educating the public about the past. Museum anthropology. An early practice which still occurs was to archive artifacts from non-Western societies in museums of the natural history. More and more today, other types of museums are providing less biased views of non-Western cultures. Public education is a central role for all museum anthropologists. Next is forensic anthropology. Forensic anthropology is devoted to helping solve crimes and identify human remains, usually by applying knowledge of physical anthropology. A relatively new area of forensic anthropology is work to confirm abuses of human rights, especially in terms of systematic killing of citizens. फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी में बेसिकली हम लीगल टर्म्स में एंथ्रोपोलॉजी से डील करते हैं कि लीगल चीज़ों में एंथ्रोपोलॉजी को किस तरह से प्रैक्टिकली यूज़ किया जा सके एंथ्रोपोलॉजी की नॉलेज को। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज मेक श्योर टू प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।